अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास की उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक मकतूब है। अब बात आती है कि मकतूब किसे कहते हैं। तो देखिए, खत को ही मकतूब कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है चिट्ठी। चिट्ठी आप लोग लिखते हैं ना, अभी तो नहीं लिखते होंगे, अभी मोबाइल का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले के ज़माने में लिखा जाता था, या फिर अभी भी आप लोग एग्ज़ाम में लिखते होंगे परीक्षा में। तो चिट्ठी को ही हम लोग बोलते हैं मकतूब या फिर ख़त। और उसके बाद से इंग्लिश में आप लोग जानते हैं लेटर। तो चारों नाम में से कोई भी बोल सकते हैं, या तो ख़त बोलिए, या तो मकतूब बोलिए, नहीं तो आप लोग चिट्ठी बोलिए, नहीं तो लेटर बोलिए, बात एक ही है। और ख़त लिखने को बोला जाता है खतूत निगारी। ख़त का जमा यानी कि प्लूरल होता है खतूत, ठीक है। तो ख़त लिखने को जब लिखा जाता है ना, तो बोला जाता है खतूत निगारी, या फिर मकतूब निगारी, या तो लेटर राइटिंग, तो कोई भी बोल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक ख़त है, और इस ख़त के लिखने वाले कौन है, तो असदुल्लाह खां गालिब, ठीक है। असदुल्लाह खां गालिब जो है ना, इन्होंने ये ख़त को लिखा है किसके नाम, तो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये ख़त लिखे हैं। इस चैप्टर के राइटर कौन हुए, मुसन्निफ, तो असदुल्लाह खां गालिब, ठीक है। तो हम लोग इस ख़त को पढ़ेंगे और जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि असदुल्लाह खां गालिब जो है वो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो ख़त लिखे हैं उसमें क्या क्या बात किए हैं सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग असदुल्लाह खां गालिब के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं इस ख़त को पढ़कर बताऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। तो इनके बारे में जानिए। देखिए, असदुल्लाह खां गालिब जो है ना, मिर्ज़ा गालिब के नाम से मशहूर है। कौन नहीं जानता है मिर्ज़ा गालिब को, दुनिया के मशहूर शायरों में से एक, जिनके ज़ुबान से हमेशा शेर व शायरी ही निकलती थी। अगर आप लोग उनसे जाकर बात करेंगे ना, तो वो आपकी बातों का जवाब शेर व शायरी से ही देते थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब इतना मशहूर शायर थे, मतलब ये शेर व शायरी में मग्न थे, आप बोलिए शेर व शायरी के बहुत बड़े ये शायर थे, ठीक है। तो इनके बारे में तो जानना ज़रूरी भी है। इनका एक क्या बोला जाता है शेर है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि गंदे लिबास देख कर तू फैसला ना कर, ये कौन सा दरख्त है फल बताएगा। किसी भी इंसान के मतलब किसी भी इंसान के लिबास को, उसके कपड़े को देख कर ये आँकना नहीं चाहिए कि इंसान जो है वो किस तरह का इंसान है, उसके हुनर को देख कर आँकना चाहिए, तभी आप लोगों को मालूम चलेगा कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जानिए। असदुल्लाह खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है वो 27 दिसंबर 1797 को ही है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि असदुल्लाह खां गालिब की पैदाइश कब हुई, और ऑप्शन में दे देगा 1797, तो आप लोग 1797 टिक करके आइएगा, ठीक है। 1797 को अपने नानी हाल आगरा में पैदा हुए, अपने नानी के घर, इनका नानी का घर कहाँ है, आगरा, तो आगरा में ही ये पैदा हुए थे। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, और इनके वालिदा यानी कि इनकी माँ का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक है। और उसके बाद से असदुल्लाह खां गालिब जो है वो पहले असद तखल्लुस रखते थे। यहाँ पर बता दूँ मैं आप लोगों को, तखल्लुस किसे कहते हैं, शायर जो है अपने शेर व शायरी में जो नाम यूज़ करता है उसी को बोलते हैं हम लोग तखल्लुस। तो यहाँ पर असदुल्लाह खां गालिब जो है वो अपने शेर व शायरी में पहले असद तखल्लुस रखते थे, मतलब अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में वो असद नाम यूज़ करते थे, लेकिन वो बाद में क्या कर दिए, अपना नाम चेंज कर दिए और गालिब लगाना शुरू कर दिए। यानी कि असदुल्लाह खां गालिब जो है ये अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में अब असद ना लगाकर गालिब लगाना शुरू कर दिया, और इनका तखल्लुस हो गया गालिब। भले ही वो पहले असद तखल्लुस रखते थे, लेकिन बाद में गालिब हो गया। और गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू फ़ारसी की, उर्दू फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में लिखे हैं, मतलब मिर्ज़ा गालिब जो है ना उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में ख़त लिखे थे, उसके बाद से शेर व शायरी किए थे, दोनों उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में उन्होंने शेर व शायरी की थी। आगे बढ़िए, देखिए खतूत के दो मजमूए के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है। खतूत का मजमूआ यानी कि खतूत का किताब, ख़त के किताब को ही खतूत का मजमूआ कहते हैं, ठीक है। तो दो ख़त के किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, पहला का नाम है उद हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मौल्ला। तो ये जो दोनों किताब है ना, ख़त का किताब है, और ये दोनों किताब असदुल्लाह खां के ज़िंदगी में, जब वो उनकी ज़िंदगी थी, ज़िंदा थे, उनकी ज़िंदगी में ही इन दोनों किताब को प्रकाशित कर दिया गया, शाये कर दिया गया, ठीक है। और तकरीबन 13 साल की उम्र में बख्श खां मारूफ की बेटी से शादी हो गई, और फिर वो दिल्ली चले गए। असदुल्लाह खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब जब 13 साल के ही थे, तो उनकी शादी हो गई बख्श खां मारूफ
मारूफ की बेटी से, बेटी का नाम नहीं दिया गया है लेकिन इतना बताया गया है कि हाँ बख्श खां मारूफ की बेटी से उनकी शादी हो गई और उसके बाद से वो दिल्ली चले गए। दिल्ली मतलब वहीं पर जाकर रहने के लिए गए थे और वो दिल्ली हमेशा के लिए चले गए, मतलब उनका दिल्ली निवास स्थान बन गया, वो हमेशा रहने के लिए वहाँ पर चले गए। और उसके बाद से जब वो दिल्ली चले गए तो वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे वैसे की कुछ प्रॉब्लम थी अब्दुल्ला खां गालिब के पास, तो वो बीच में कलकत्ता भी गए थे ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में। तो वहाँ से जब वापस दिल्ली लौटे तो दिल्ली आने के बाद कुछ इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हुई और पैसे की जो परेशानियाँ थी प्रॉब्लम थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन उसी वक्त गदर का मामला सामने आया, गदर का जो वो घटना हुआ था उसी वक्त हुआ था और फिर से उनकी परेशानियाँ शुरू हो गई। और परेशानियाँ जब शुरू हुई तो उसको झेलते झेलते परेशानियों से लड़ते लड़ते उनका आखिरकार इंतकाल हो गया 15 फरवरी 1869 को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया अब्दुल्ला खां गालिब के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर अब्दुल्ला खां गालिब जो है सैयद शाह करामत हुसैन को जो ख़त लिखे हैं उसमें क्या क्या बातें बताए हैं, क्या क्या बातें किए हैं सैयद शाह करामत हुसैन से, ठीक है। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए मैं आप लोगों को इस खत को पढ़कर समझाती हूँ। देखिए मैं आप लोगों के उर्दू के दरक्षा का किताब ले ली हूँ, देख पा रहे हैं, और यहाँ से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर अब्दुल्ला खां गालिब के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है जो कि मैं आप लोगों को बता ही दी, और उसके बाद से यहाँ से आप लोगों का शुरू होता है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम का ख़त। ये जो ख़त है वो अब्दुल्ला खां गालिब ने सैयद शाह को लिखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब पढ़कर समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले तो वो पता लिखे हैं और उसके बाद से डेट लिखे हैं अब्दुल्ला खां गालिब। और देखिए शुरू में लिखे हैं मिर्ज़ा गालिब कि शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे। सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब जो है सैयद शाह करामत हुसैन को सलाम किए हैं और उसके बाद से लिखे हैं भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। इसमें मिर्ज़ा गालिब सैयद शाह करामत हुसैन से बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरा हाल क्या पूछते हो, मैं तो जिंदा हूँ लेकिन मुर्दे से बदतर हूँ। हवादिस ज़माना व आवारिज जिस्मी से नी में जा हो रहा हूँ, इस दुनिया के हादसे और आवारिज जिस्मी यानी कि जिस्मी बीमारी मेरी शरीर की बीमारी से मैं आधी जान हो रहा हूँ, ठीक है। गजा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को शेर भरगोश्त का पानी, दो घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस। इसमें जो है मिर्ज़ा गालिब अपने भोजन के बारे में बताए हैं, गजा की हकीकत बताए हैं कि वो कब कब और कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। तो बताए हैं कि सुबह को मैं 8-10 बादाम का शीरा खा लेता हूँ और दोपहर को शेर भरगोश्त का पानी पी लेता हूँ और उसके बाद से 2 घड़ी दिन रहे या 2 या 3 तले हुए कबाब और बस, 2 या 3 तले हुए कबाब खा लेता हूँ, ठीक है। और निसियान हद से गुजर गया हूँ यानी कि बोल रहे हैं कि मैं भूलने की बीमारी से गुजर रहा हूँ और उसके बाद से ख़त्मा कलाम इस्लाह तलब बख्श या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना किया करो। बोल रहे हैं कि मैं भूलने की बीमारी से गुजर रहा हूँ, कोई भी मैं चीज़ भूल जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो है ना याददाश्त कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से कोई भी कलाम मेरे पास आता है सुधारने के लिए करेक्शन करने के लिए तो मैं उसको लेकर और किसी किताब में रखकर और भूल जाता हूँ। तो इसी वजह से अगर कलाम तुम तक मेरा देर से पहुँचे तो शिकायत ना किया करो क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे जिंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। इसमें मिर्ज़ा गालिब जो है सैयद शाह करामत हुसैन से कह रहे हैं कि तुम मुझे ज़िंदा समझते हो कि तुम ताज़े कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत समझो कि मैं तुम्हें मतलब मुर्दा होकर भी तुम्हें लिख कर कुछ भेज देता हूँ, यही गनीमत समझो, और तुम मुझे ज़िंदा समझ रहे हो, ठीक है। 100 रुपये जो तुमने भेजे वह मुझे मिले, मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता, इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी। इसमें बोल रहे हैं कि जो तुमने मुझको 100 रुपये भेजे थे वो मुझे मिल गए लेकिन मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी से कभी पीछे नहीं हटता, ये 100 रुपये भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं यूँ ही खिदमत गुजारी को हाज़िर हूँ। तुम नहीं भी भेजते तो भी मैं तुम्हारा ये जो कलाम तुम भेजे हो उसको सुधार कर मैं तुम्हारे पास भेज देता। जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी 3 गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। बोल रहे हैं कि तुम जब चाहो कलाम भेज सकते हो सुधारने के लिए, मैं सुधार दूंगा और जो तुम्हारी 3 गज़लें हैं वो मैं जल्दी सुधार कर भेज दूँ तुम्हारे पास भेज दूँगा, ठीक है। चश्मे बद दूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के हैं, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। बोल रहे हैं कि बुरी नज़र से तुम बचे रहो और
तुम्हारी तबीयत मुनासिब हो, तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक हो और उसके बाद से अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे, बुरी नज़र से अल्लाह तुम्हें बचाए, और लास्ट में अपना नाम ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई ख़त जो कि उन्होंने सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम लिखा था। ठीक है, यहीं पर होता है आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।